मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की बुक निकालेंगे। मैथमेटिक्स में अब हम दोहरान करेंगे नेक्स्ट वाला। इसमें सर्कल द बिगेस्ट एंड अंडरलाइन द स्मॉलेस्ट नंबर। आप इसमें बिगेस्ट को सर्कल करना है, 5692 इसमें सबसे बड़ा है, इसको हमने सर्कल बनाया है। इसके बाद सबसे छोटा नंबर क्या है, 2481, तो इसको हमने अंडरलाइन किया है। ऐसे ही बेटा 9350 जो है वो सबसे बड़ा है, इसलिए उसको सर्कल बनाया है हमने। और सबसे छोटा क्या है, 6485। ऐसे ही एक और सम देखेंगे आप, 5538, 5584 और 5571, तो इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5584, तो इसे हमने सर्कल बनाया है। और स्मॉलेस्ट क्या है, 5538। इसमें हम एक और करेंगे, 4498, तो 498 सबसे छोटा है, इसे अंडरलाइन करेंगे, तो 3717 सबसे बड़ा है, तो इसे हम सर्कल बनाएंगे। अरेंज द नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है। इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 47, 49 या 74। 47 है ना, तो 47 वाला नंबर पहले ले लेंगे, 4792। फिर इसे बड़ा देखेंगे, 4977। फिर सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा, 7490। ऐसे ही बेटा आपको नेक्स्ट वाला एक और देखते हैं हम। देखिए 8761, 8112, 5894। तो इसमें सबसे छोटा देखेंगे पहले, ये 8000 है, ये 8000 है, ये 5000 है, तो सबसे छोटा क्या होगा, 5000 वाला नंबर, तो 5894। फिर आगे 8112 और सबसे बड़ा क्या है, 8761। इसके बाद आता है, आपको समझ आ गया होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है इसको। अब ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 6850, 7177 और 3290, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है, ये 6000 है, ये 7000 है, ये 3000 है, तो आप समझ गए ना 7000 वाला नंबर सबसे बड़ा है, तो 7177। फिर उससे छोटा नंबर 6850, फिर सबसे छोटा नंबर है 3090। एक और देखेंगे हम, 1492, 3536, 4463, ये देखेंगे हम। इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, ये देखिए 314, इसमें सबसे बड़ा क्या है, 4 वाला नंबर, तो 4463, 3536, 1492, तो सबसे बड़ा नंबर ये है, 4000 वाला, फिर 3000 वाला और फिर 1000 वाला। आगे हम करेंगे रोमन न्यूमरल्स, इसकी भी हम दोहरान आज ही कर लेंगे। इसमें आपको सबसे पहले बेटा ये प्रैक्टिस करनी है कि 1 को 1, 5 को V, 10 को X, 50 को L, 100 को C, 500 को D और 1000 को M लिखते हैं। 1000 को M लिखते हैं,
ठीक है, आप 10 + 10 = 20 हैं, तो ये 10 देखिए आप, ये 10, तो 10 के साथ एक और 10 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 20। 10 के साथ फिर 10 फिर 10, 3 × 10 = 10 लिख देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 30। ऐसे ही बेटा आपको इसके पहले काउंटिंग लर्न करनी है आपको, सबसे पहले ये काउंटिंग लर्न करनी है आपको। उसके बाद ये 1 है, ये 5 है, 10 है, 2 है, 8 है, 7 है, फिर ये 6 है, 11 है, 13 है, 21 है, 25, 33, 35, ऐसे आपको 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 5 ऐसे लिखते हैं, 6, फिर 4, फिर 7, फिर 10, फिर 9, फिर 8, अब ऐसे आपको लिखना है ग्रेटर देन लेस देन, फिर 5 3 से बड़ा है ना, तो 5 इज़ ग्रेटर देन 3, फिर ये 6 है और ये 9 है, तो 9, तो 6 इज़ लेस देन 9, तो इसलिए आपको ऐसा साइन देना है। ऐसे ही अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग में सबसे पहले छोटा लिखना है, इसमें सबसे छोटा क्या है, ये 4 है, ये 6 है, ये 11 है, ये 9 है और ये 8 है। फिर आपको सबसे पहले 4 लिखना है, फिर 6 लिखना है, फिर 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 11 लिखना है। ऐसे ही बच्चों आपको ये भी नेक्स्ट वाला करना है, सबसे पहले ये 8 है, ये 20, ये 10, ये 15, ये 16 है, ये 14 है और ये 9 है, तो सबसे पहले आपको 8 लिखना है, फिर 9 लिखना है, फिर 10, फिर 14, फिर 16 और फिर 20। आपको बच्चों अब दोहरान पूरा हो गया, आप घर पे इसकी सब पूरे दोहरान की प्रैक्टिस करेंगे। ओके।